नमस्ते एंड अ गुड मॉर्निंग. सो वी आर ऑल सेट. हम बैंगलोर से निकल गए हैं कुर्ग के लिए. उसमें 5 से 6 घंटे हमें लगेंगे यहाँ से कुर्ग पहुँचने में. अभी हमने सिटी से अभी हम बाहर भी नहीं निकले, मतलब बैंगलोर सिटी में ही अंदर ही है. A few inches later. दोस्तों, बेंगलोर के मेले में हमको एक खिलौना घड़ी मिली है. ये देखो आप, एक तो हाथ इतना पतला, ऊपर से घड़ी इतनी छोटी. खिलौना घड़ी ये, अभी इसमें बटन दबाऊंगा ना, यहाँ पे एक स्विच है, ये दबाऊंगा तो ये इसमें से आवाज आएगी. हम सिर्फ 2 रात के लिए हैं. मुझे तो अभी मतलब ऐसे एंटर करते ही एकदम से मस्त लग रहा है. वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी. हाँ, सारे विलास इससे अलग अलग है. देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये इधर भी होंगे कुछ विलास. मित्रों देखो, खाना चल रहा है वॉटरफॉल के किनारे, बारिश हो रही है. देखो आप, और क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए और? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए. 20 मिनट्स लेटर. गाइस, दिस इज आवर रूम. देखो, हम भी पहली बार ही देख रहे हैं, साथ में दिख रहा है. ये हमारे रूम का एंट्रेंस देखो आप, ऐसे सीढ़ी से नीचे उतर के आपको आना है और आपको रूम मिलेगा. चेक इन किया, आपको रूम टूर तो बाद में दूंगी. एक तरफ ये सागर का काम आ गया था ऑफिस का कुछ, तो वो काम कर रहा है. एक तरफ यहाँ रूम में मेरा भी काम चल रहा है. इतना अच्छा, इतना सुंदर व्यू है बाहर, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, पर हम बैठ के काम कर रहे हैं. कोई नहीं, जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर हम बाहर जाएंगे. और जाने से पहले आपको रूम टूर भी देंगे. वैसे थोड़ा बहुत तो आपने देख ही लिया, दिस इज़ आवर बेडरूम. और बाहर मस्त बड़ी सी बालकनी है और इतना अच्छा, मतलब नेचर का इतना अच्छा साउंड सुनाई दे रहा होगा आपको भी. ओ माय गॉड, एकदम ही मस्त 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 वाइब इस जगह की. इससे पहले कि हम हमारा रूम मैस करें, मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ. ये हमारे रूम का एंट्रेंस है एंड देन वंस यू विल एंटर, यहाँ पे आई बिलीव बहुत सारे कैटेगरी के रूम होंगे. हमारा कौन सा है वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, बट आप देख लो रूम तो. दिस इज द लिविंग एरिया जहाँ पर एक काउच है. देर इज मस्त ऐसे पेड़ों के उससे बनाया गया, वुड से बनाया गया. लैंप है हर जगह पे, एकदम यस. एंड आपका काम कब खत्म होगा पति? 5:30. ओके, है कभी नहीं, व्हाट, कभी नहीं. काम किसका खत्म होता है जीवन में? काम खत्म नहीं होता, छोड़ना पड़ता है. ओके गाइस, ठीक है, इसकी इसकी फिलॉसफी से भरी हुई बातों को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो ये सामने है टीवी जो कि हम बिल्कुल भी नहीं ऑन करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार इस जगह पे आके कौन टीवी देखता है, मतलब कौन. एंड देन देर इज दिस वार्डरोब वाला एरिया जहाँ पर हमने हमारा लगेज रखा हुआ है. यहाँ पे
शेल्फ है और स्लीपर्स वगैरह एंड ऑल दैट, एंड देन बहुत बड़ा वॉशरूम है, बहुत बड़ा, यहाँ पर एक बाथ टब है, देन शावर एरिया एंड या बिजनेस एरिया एंड एवरीथिंग. सो काफ़ी बड़ा वॉशरूम है. और गाइज आपको मैं एक फन फैक्ट बताऊँ, मुझे पहले होटल के वॉशरूम में बहुत डर लगता था, मतलब अब नहीं लगता है, अब मैं बहुत जगह ऐसे स्टे करती हूँ, कभी भी बड़ा वॉशरूम होता था या होटल में ऐसे थोड़ा, पता नहीं क्यों मुझे वॉशरूम्स में ऐसे बहुत ज़्यादा डर लगता था, अब नहीं लगता है. किसी ने पूछा नहीं पर फिर भी मैं सोचा बता देती हूँ. ओके, देन दिस इज़ अ ब्यूटिफुल बेडरूम. यहाँ पर मस्त ये वाला बेड इतना सुंदर लगता है ना, इस बेड को क्या बोलते हैं ऐसे वाले बेड को, बेड नहीं, दिस इज एक टर्म है इसका कुछ ये ऐसे. गाइज आप लोग बताना कमेंट सेक्शन पे इसको कौन सा वाला बेड बोलते हैं. मुझे ये घर पे लेने का बहुत मन था, बट सागर ने बोला कि यार मतलब क्या करेंगे ऐसे, इस पर बहुत मेंटेन करना पड़ता है, फिर इसके आसपास. हाँ कोस्टर ना, कोस्टर बेड. ओके, इसके आसपास ऐसे वाइट कर्टन्स जैसे लगा दो, ओ माय गॉड बहुत सुंदर लगता है. देन दिस इज द बेडरूम और यहाँ से बालकनी जो कि बहुत ही सुंदर व्यू के साथ है. सो देयर इज टू सिटिंग चेयर हियर एंड द लाउंजिंग चेयर यू कैन से, मस्त ऐसे रिक्लाइन हो जाएगी वो वाली भी चेयर है यहाँ से. एंड देन देयर इज अ डोर टू द लिविंग रूम हियर एंड यहाँ पर दो ये मस्त चेयर है, यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं. और बढ़िया नेचर की इतनी अच्छी आवाज आ रही है. एक सेकंड रुको, मैं चुप होती हूँ, अब बस सुनो. वहां पर मैं जूम करूंगी, शायद नहीं दिखेगा, बट हम अभी वहां जाने वाले हैं. यस, यहाँ पर एक वाटरफॉल है जो कि इस प्रॉपर्टी के अंदर ही है. गाइज इमेजिन, आई मीन हाउ ह्यूज दिस प्रॉपर्टी इज एंड दिस इज आवर एंटायर विला. और क्या मस्त हवा चल रही है. मतलब अहमदाबाद की गर्मी से उठकर सीधा हम जन्नत में आ गए, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है. इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी. स्टेइंग हियर फॉर टू नाइट्स. अभी चलते हैं फटाफट से, क्विकली चेंज करेंगे क्योंकि मेरा काम हो गया है, सागर का भी काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. सो हम थोड़ा चलते हैं और प्रॉपर्टी घूमते हैं, वॉक करेंगे और देखेंगे सब कुछ कि क्या क्या है एक्चुअल में. तो गाइज हमारा काम हो गया है और हम अब बाहर निकल रहे हैं, तो बस हम थोड़ा वॉक करके नीचे जाते हैं एंड इवन हर कॉफ़ी और टी में भी चलते हैं. यहाँ पे ये नहीं बोल सकते, यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि नीचे जाते हैं ऊपर जाते हैं. हाँ. यहाँ पे ऐसा, हाँ वैसे ऐसा वो है नहीं, नीचे ऊपर नहीं. कार्ड ले लिया. ओके, आवाज़ सुनो बस आप तो. ओ माई गॉड, ओ इट्स रेनिंग. देखिए खाता नहीं है रूम में, यहाँ पे रखा होना चाहिए, बाहर नहीं है लेकिन होना चाहिए ना एक. हाँ वो बाहर जो है ना स्टैंड वहाँ पे. हाँ चलो मांगते हैं इनसे क्योंकि बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी. हम बोल रहे थे हमारे रिजॉर्ट के अंदर ही वाटरफॉल है. ये देखो कितना सुंदर और कितना मस्त यार, और मौसम कितना बढ़िया हो रहा है देखो. Later that same evening. इन्होंने अकेले अकेले ही गेम जीत लिया है, किसी और की जरूरत ही नहीं है. The next day. Good morning, Pati. Good morning. Nice mountain area. यार क्या मस्त, क्या अच्छा लग रहा है. ये वाव नहीं, ये वाव है. उफ. सो हम निकल गए ब्रेकफास्ट करने के लिए और हमारे विला से रेस्टोरेंट तक का थोड़ा सा डिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पे 50 विलाज है, मतलब पूरे 50 विलाज हैं और सब दूर दूर है थोड़े थोड़े. वैसे इनके पास बग्गी सर्विस भी है ऑब्वियसली,
पर हमको वॉक करना पसंद है और हम छाता लेके, इसलिए सोचा बारिश इतनी अच्छी हो रही है, इतनी अच्छी है तो चलते चलते ही जाना चाहिए। यस, देखो आप भी मजे ले लो बारिश के। हाँ यार, ये वाले फ्लावर देखो, आपने देखे हैं क्या कभी? Few moments later. Two hours later. How we shoot. और हमने यहाँ पे अपने छाते रख दिए, छाते के सहारे कैमरा। ये देखो मेहनत जा रही है। हम वहाँ से चलते हुए आए थे एक शॉट लेने के लिए। बहुत मेहनत लगती गाइज, अगर जिन लोगों को लगता है ना कि ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन इज़ ईजी पीसी, बहुत ऐसे हम लोग तो बढ़िया घूमते रहते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत मेहनत है गाइज, बहुत मेहनत है। और मेरी तो 4-5 सालों की मेहनत है। और या इट टेक्स टाइम, बट मस्त शॉट आया है, एक नंबर यार। शाम की चाय हाई टी हमने ले ली है अभी, और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, बारिश हो रही है, बैठे हैं झरने के किनारे, वाटरफॉल के किनारे बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो आपको भी दिखाते हैं, पहले तो ये देख लो आप, फिर ये देख लो। आहा, क्या बात है, वाटरफॉल देखो आप, ये देखो। The next day. हाँ जी guys, a very good morning. It's our second morning in Coorg and also our last day in Coorg. हम सिर्फ 2 nights के लिए ही आए थे, यहाँ पर रुके थे। But guys, ये जगह ऐसी, मतलब रिट्रीट अगर आप ढूंढ रहे हो कि कहीं पे आपको बस खाली अनवाइंड करने के लिए जाना है, रिट्रीट के लिए जाना है, बस कुछ नहीं करना, शांति से पड़े रहना है और नेचर को एंजॉय करना है, देन डू कम टू Coorg। एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ ब्यूटिफुल बिकॉज एक और रीज़न है उसका, क्योंकि यहाँ पे अंदर ही वाटरफॉल है जहाँ पे आप मेडिटेट कर सकते हो, योगा कर सकते हो, एंड यहाँ पर हर चीज़ का एक सेशन भी होता है, लाइक नेचर वॉक पे लेके जाते हैं, योगा सेशंस होते हैं, एंड देर इज़ बच्चों के लिए भी जिप लाइन एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। सो इस रिजॉर्ट से आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, इफ़ यू आर कमिंग हियर फॉर 2 or 3 days। सो या दैट्स दैट। और अभी हम बस ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद पैकिंग वैकिंग करके वी लीव फ्रॉम हेयर, क्योंकि हमारी बैंगलोर से शाम को फ्लाइट है। और यहाँ से बैंगलोर का जो मतलब ड्राइव और यहाँ से बैंगलोर तक का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 5 से 6 घंटे लग जाते हैं उसमें। और यहाँ पे क्योंकि बारिश हो रही है कंटिन्यूसली तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है यहाँ से निकलने में। या एंड इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। पति आ जाओ, क्या कहना चाहोगे दर्शकों को? आप लोग अगर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस 2-3 दिन के लिए शांति में रहना, ज़्यादा दिन के लिए भी अगर शांति में रहना चाह रहे हो तो प्लीज़ कंसिडर कमिंग टू Coorg। बहुत सुंदर है, हम लोग तो अहमदाबाद के वेदर से Coorg के वेदर में आए तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा चेंज है, बट आपको कंसिडर करना चाहिए। और Coorg आ रहे हैं तो आया तो ना ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे इतना नेचर है, पूरा नेचर ही है, सिर्फ आपके रूम को छोड़ के बाकी सब जंगल ही है, आप समझ लो। सो या सो होपफुली आप कन्विंस हो गए होंगे अगर Coorg नहीं आए तो आने के लिए। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। विल सी यू विद अनदर वीडियो फ्रॉम अनदर डेस्टिनेशन वेरी वेरी सून। टिल देन टाटा, बाय बाय, नमस्ते।